हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋतिक। ऋषभ पंत की सर्जरी से रिलेटेड, या कह सकते हैं ऋषभ पंत की हेल्थ से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट ये आया है कि ऋषभ पंत ने खुद एक्सीडेंट के बाद आकर सामने अपना एक मैसेज दिया है, अपने फैंस और वेल विशर्स को बताया कि मैं कैसा हूं। और ऋषभ पंत ने उस मैसेज में एक बड़ी बात ये लिखी है कि अभी उनकी हालत कैसी है। अगर मैं आपको सबसे पहले ऋषभ पंत ने जो अपने पोस्ट में लिखा है, जो उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट की है अपनी एक अपने बारे में जो जानकारी दी है वो पढ़ के बताऊं, तो सबसे पहले मैं बताता हूं, आई एम हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल फॉर ऑल द सपोर्ट एंड गुड विशेस। आई एम ग्लैड टू लेट यू नो दैट माई सर्जरी वॉज अ सक्सेस। उन्होंने इस बात में ये कहा कि मैं बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ सबका जिन्होंने मेरे बारे में विशेस करी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। और तो और उन्होंने ये बोला कि मेरी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो गई। और तो और उन्होंने बोला कि द रोड टू रिकवरी हैज़ बिगन एंड आई एम रेडी फॉर द चैलेंजेस अहेड। मेरी जो रिकवरी का रास्ता है, यानी कि मेरी रिकवरी की जो जर्नी है वो अब शुरू हो गई है सर्जरी के बाद। और तो और जो भी चैलेंजेस आएंगे मेरे आगे, या मेरी रिकवरी होने के बीच में जो भी चैलेंजेस आएंगे, मैं उसको फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उन्होंने शुक्रिया करा है बीसीसीआई का, जय शाह का, जो कि बीसीसीआई के सचिव हैं। और तो और उन्होंने कहा है कि थैंक यू टू द बीसीसीआई, जय शाह एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर द इनक्रेडिबल सपोर्ट। और तो और एक और मैसेज भी दिया है ऋषभ पंत ने साथ में कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक माई फैंस, टीम मेट्स, डॉक्टर्स एंड द फिजियोज फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड एनकरेजमेंट। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल ऑन द फील्ड। ये बोला है ऋषभ पंत ने साफ साफ एंड में कि मैं आप तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो भी मेरे वेल विशर्स थे, मेरे टीम मेट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स और भी जो भी मेरे सब दोस्त थे जिन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे एनकरेज किया कि मैं ठीक हो जाऊँ। लेकिन अब मेरी रोड टू रिकवरी जो है वो चालू हो गई है, उसमें भी उम्मीद है कि आप सभी का साथ होगा। और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर सीधा मिलेंगे क्रिकेट फील्ड पर। अब क्रिकेट फील्ड पर तो ऋषभ पंत काफ़ी टाइम बाद दिखेंगे, क्योंकि 6 से 7 महीने उन्हें लग जाएंगे क्रिकेट फील्ड पर आने तक। और डॉक्टर्स ने तो ये बताया कि जिस लहजे की इंजरी हुई थी घुटने में रविंद्र जाडेजा को दुबई में एशिया कप के टाइम पर, उन्हें 6-7 महीने रिकवर होने में लग गए थे, वैसे ही उसी से मिलते जुलती जो है इंजरी है ऋषभ पंत को भी। तो उन्हें भी 6-7 महीने अपने पैरों पर खड़े होने में लग जाएंगे। फिर उसके बाद ट्रेनिंग होगी, एनसीए में जाके रिहैब होगा, फिर रिकवरी दोबारा होगी, फिर उसके बाद मैचेस खेलने पड़ेंगे, फिर मैच फिटनेस अलग से होगी। और तो और अभी हाल ही में एक और खबर आई थी कि इस साल तो ऋषभ पंत शायद क्रिकेट खेल ही ना पाए, क्योंकि जो है रिकवरी वो उनके जो लिगामेंट जहाँ पर टियर आया है उसकी जो सर्जरी हुई वो और भी ज़्यादा वक्त लेगी रिकवर होने में। तो उम्मीद है कि ऋषभ पंत ने जिस तेज़ी से ये रिकवर होने के बाद या होश में आने के बाद ये मैसेज दिया है अपने फैंस को, उसी तेज़ी से वो रिकवर हो पूरे तरीके से और फील्ड में वापस आए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।